Good evening, friends. Today I'm at Salasar Demolition Private Limited. So today we did LP32, WSS30, and also DST20CA demo. So we have done all the activities from morning till evening. So let us understand the comparison and the feedback from their operators. They have experienced LP32 and also 20CA. अभी हमने क्या क्या देखा है, एक वायर सॉ देखा, पल्स सॉ देखा, दोनों के लिए हमने पावर पैक LP32 ओके वो यूज़ किया ओके। टोटल केजी, टोटल कितना वेट का है वो ओके, सब मिला के कितना आता है ओके। ये जो है सिस्टम 38 केजी का है ओके, यही आपका पावर पैक है, यही आपका पूरा सिस्टम है, सॉ हेड ओके, सिंपल सिस्टम है, उसमें 63 एम्स का पावर है, इसमें 32 एम्स का है, ठीक है, सिंपल है, टाना है, लगा दिया ओके, एक केबल है, बस हो गया, मशीन आपका बन गया। उसमें कितना केबल लगता है, होसेस लगता है, 8-8 केबल लगता है ओके। तो इसमें हम देखते हैं कि हाँ कितना समय बचता है, क्या इजी है, क्या दिक्कतें आता है, एंड वी से इट इज़ कम्प्लीटली पावरफुल, इक्वलेंट टू सेम LP32, दोनों इक्वल है मशीन ओके। तो इसका पावर चेक करना है, अब चेक कर लो, चला के भी देखते हैं पूरा, अभी लगा चला जाएगा, खिला के लगाते पाइप और चलेंगे। उसमें एलंकी दे रखा है, लेकिन इसमें एलंकी नहीं दिया, टायर दे दिया। सेट मार रहे हैं, सेट मार रहे हैं, सेट मार रहे हैं, सेट मार रहे हैं, केबल बड़ा फिर आगे तक बर लो, इधर हाल हो जाएगा, उसको स्ट्रेट करते हैं, हाँ फिर नहीं आता। पानी पानी चालू करो, ये कुछ नहीं कर रहा,
यह मशीन का मॉडल है DST20CA, ठीक है, डायमंड सॉ विद ट्रैक, और 20 किलोवाट का है, सीए मतलब कट असिस्ट, अभी आपको दिखाया कट असिस्ट ऑटोमेटिक कटिंग। ये है रिमोट कंट्रोल, ठीक है, ये है 36 किलो है टोटल इसका, और ये है 1.5 किलो। इसमें देखो आपको सारे फंक्शन यहाँ पे यूजेबल है, वोल्टेज, एम्प्स, एम्प फिर दिखाएगा आपको, और ब्लेड के सिंबल है, और ये पानी का सिंबल है, ये है नेटवर्किंग है जो पेयरिंग का नेटवर्किंग है, और ये है बैटरी सिंबल, और यहाँ पे 4 बटन दिया हुआ है, यहाँ पे एक पानी का रहेगा और एक सेटिंग का रहेगा, और इस तरह आपको एक मैनुअल है और एक है कट असिस्ट। अभी हम मैनुअल पे जाएंगे, देखो यहाँ पे आप ब्लेड सेलेक्ट करना पड़ता है, ब्लेड सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी ब्लेड को हम सेट कर रखा है 800, 1000, 1200 और 1600 का, इसमें भी हम 1600 का ब्लेड चलाते हैं, इसका भी डेप्थ ऑफ कट रहेगा 730 mm, ठीक है। अभी इसको ब्लेड सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद ये हम डायरेक्ट इसको चालू करेंगे, ठीक है, ये ऐसा रहेगा इसका। चालू करने के बाद आपको यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट दिखेगा और RPM दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे अभी परसेंटेज मतलब ट्रैवल स्पीड सब कुछ यहाँ पे दिखाएगा, मैनुअल में भी दिखेगा, ठीक है। अब मैनुअल करेंगे तो पहले यहाँ पे हम पावर सेट कर लेंगे, ये पावर रहेगा पहला कट में 30 से 40 तक रहेगा, हम ये 40 रखा अभी, ठीक है, ये अंदर ये तो 50 आ गया, जब सरिया आएगा तो रुकेगा, रुक के उसको स्लो से कटिंग करके और आगे जाएगा। अभी ब्लेड चेंज करने का है अभी, ठीक है, तो गार्ड हटाओ, गार्ड हटा के ब्लेड निकालो, ब्लेड निकाल के ये वाला नहीं, इधर ही ब्लेड, आराम से ले, चिगा पी ले, फिसल रहा अभी, पाना है ना गोटी, पाना थोड़ा एक बार साफ भी कर लेना, गरम हाँ तो पानी आप बराबर देंगे तो गर्म नहीं होगा, पानी कम देंगे तो गर्म रहेगा, इसमें सारे मैसेजेस आते हैं आपको, दबा और एक बार, ओके डन। अब इसको लॉन्ग प्रेस करो, ड्राइव को, नहीं लॉन्ग प्रेस, यहाँ पे ब्लिंक आना चाहिए साइड पे आपको, तब चालोगे, डन, अभी चालोगे। यहाँ पे आपको डेप्थ ऑफ कट दिखेगा ना, यहाँ पे है आप 400-450 तक भी कर दो, 430 होएगा, ये 1 मीटर का ब्लेड है ना, 430 है, कर दो चलेगा। एक बार इसको वहाँ पे पूरा ले लेके इधर ले आप,
ले हटाओ भी ले लो पहले ऊपर जल्दी फटाफट पानी बंद कर लेना नहीं अरे रुक ड्रिप में कटिंग हुआ 300 में हो गया 330 डेट में कटिंग 330 में हो गया कटिंग और बड़ी ब्लेड लगा और बड़ी ब्लेड अभी 1200 का ब्लेड लगा के हम चेक करेंगे 410 में 20 में कटिंग हो गया 32 एम्पीयर का सप्लाई लग रहा है इसको सिंपल करंट टाइम लेबर ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ आपका सेविंग है इसमें यू नो टुडे आई एम एट सालसर डिमोलिशन प्राइवेट लिमिटेड इन नागपुर सो टुडे वी हैव डन एक्टिविटी फॉर हैवी डायमंड टूल्स फॉर LP32 एंड WSS30 वायर सॉ एंड ऑल्सो DST20CA सो वी डिड ऑल द थ्री एक्टिविटीज विद देयर ऑपरेटर्स वी हैव ट्रेन देम वी हैव ऑल्सो train the troubleshooting part and also we have trained the cut assist part. So now I am meeting Mr. Sanjay sir, the owner of Salasar Demolition. Let us take his review on this particular activity and also the machine. So Sanjay sir, good evening. Good evening, sir. Thank you for arranging this entire activity from morning, you know, 10 o'clock to evening 8 o'clock. We are here for all the activities. So all are sweating like anything, you know, with the whole day activity. So what is your feedback on this entire activity, sir? ये training तो बहुत अच्छा दी है और सबसे अच्छी बात मेरे को हिल्टी की ये लगती है कि जो commitment करती है वो करती है जैसा यज्ञेश जी ने बोले थे हम आपकी training का arrangement करेंगे और मयूर जी ने भी बोले कि हम ये date को करेंगे और वो date पे ही हो रहा है ये सबसे अच्छी बात है यही है ना हिल्टी का achievement है और आप लोग ने training बहुत अच्छी दी है इसके लिए मैं हिल्टी को भी धन्यवाद बोलूँगा मयूर को भी बोलूँगा यज्ञेश जी और आप लोग को भी बोलूँगा धन्यवाद बहुत बहुत हमारी टीम को आपने ट्रेन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ट्रेनिंग तो अच्छा रहा अभी देखते हैं फील्ड में हमको पता चलेगा yes, क्या हुआ है हमारी टीम ने क्या ट्रेनिंग से पाया है ये हमको फील्ड में पता चलेगा yes, sir. पर थैंक्स सर मेरा एक क्वेश्चन है सर आपने LP32 का आपने देखा ऑलरेडी यू आर यूजिंग इट फ्रॉम लास्ट 10 साल से आप यूज़ कर रहे हैं तो अभी जो 20 DST 20 CA हमने ऑपरेट किया यहाँ पे देर आर सो मेनी थिंग्स इवन यूर ऑपरेटर्स आर वाइल डूइंग द एक्टिविटी सर आप बता रहे थे कि ऐसे है वैसे है कंपैरिजन कर रहे थे तो आई वांट टू सी यू नो आई वांट टू हियर फ्रॉम यू आल्सो सर कि आपको कैसे लगा DST 20 CA मशीन आपका DLP 32 भी बहुत अच्छा है और ये मशीन भी बहुत अच्छा है इस मामले में मैं बोलूँगा आप लोग ने हमारे साथ चीटिंग की चीटिंग है ना ये कि पहले आपने DLP 32 दे दिया अभी अगर बायबैक होता होगा तो एक मशीन में करने को तैयार हूँ बायबैक में अपन डेफिनेटली सर यस यस थैंक यू सो मच फॉर दैट फीडबैक सर मैं ये बोल सकता हूँ कि यू नो फ्रॉम लास्ट 30-35 years दिस इज द इनोवेशन विच वी हैड LP 32 वन ऑफ द वर्सटाइल मशीन बिग मशीन एवरीबडी हैज़ लाइक इट तो सब लोगों ने इसको प्यार करते थे इसलिए हम ज़्यादा देर तक इसको चलाया तो नाउ द एंटायर मार्केट इज मूविंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम सर उनको क्या है कि लाइट ड्यूटी मशीन चाहिए लेबर कम चाहिए ऑपरेशन का जो खर्चा होता है उसका कम होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम होना चाहिए और प्रोडक्टिविटी इससे बढ़ना चाहिए तो लोग जो सोच रहे हैं उसके हिसाब से हिल्टी इनोवेशन लेके आ रहा है तो फ्रॉम लास्ट 2 years वी हैव वर्कड ऑन दिस तो 2 साल पहले हमने इसको लॉन्च किया है एंड इट इज़ वर्किंग वेरी फाइन सर तो इसलिए हम ये चांस लिया है आपके साथ कि आपको ये 20 CA दिखाएं कि इसका पावर जो है इट इज़ इक्वलेंट टू LP 32 तो यस सर एंड आपको ये एक ऑप्शन हमने एक को दिखाया सर लाइक यू नो कट असिस्ट मॉडल जो ऑटोमेटिक में चलता है तो उसके बारे में आपको क्या बोलना है सर नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छा रहा उसमें 2 चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगी एक तो टाइम का उसने ये दे दिया और टाइम का डाटा उसमें रहता है क्या फिर बाद में भी यस सर टाइम का लॉग बुक रहता है वहाँ पे कितना कटिंग आपने किया है कितना मिनट में किया है कितना स्क्वायर मीटर में किया है तो एवरीथिंग विल बी अवेलेबल सर बहुत अच्छी चीज़ है वो और अच्छा टूल बनाए और अच्छा सोचे आपने तो जब आपने रिमोट लेके आपने देखा सर रिमोट आपने पकड़ा था तो कंपैरिजन टू आपको हाइड्रोलिक मशीन के साथ और इलेक्ट्रिकल मशीन के साथ आपका क्या कंपैरिजन सर क्या आपने नोटिस किया इसमें मैंने उसमें नोटिस किया कि इसमें कुछ है नहीं तो इसका प्राइस बहुत कम रहना चाहिए क्योंकि उसमें कुछ है नहीं ना छोटा सा है ये है रिमोट और छोटा सा यूनिट है उसका प्राइस DLP 32 के जैसा नहीं रहना चाहिए आपने उसको वेट के हिसाब से ही रेट देना चाहिए डेफिनेटली सर यू नो जब हम स्टार्टिंग में बोला LP 32 और 20 CA उसका रिप्लेसमेंट है ये टूल तो जो काम LP 32 करता है वो काम
20 CA करता है और उससे कम रेट में, कम इन्वेस्टमेंट में, कम लेबर कॉस्ट में, कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में, तो आपके हिसाब से ये कम रहना चाहिए, बट हमारे हिसाब से जो है ये ज़्यादा रहना चाहिए सर। सर फाइनली आपको क्या लग रहा है कि आपका ओपन फीडबैक क्या है, अगर आप 3 शब्दों में आप बोलना चाहते हो इस मशीन के बारे में? ये मशीन अच्छा है आपका और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव की है, बहुत ही अच्छी बात है। तो आपका नेक्स्ट प्लान बन सकता है? बन सकता है, पर वो प्राइस के ऊपर ही आएगा। डेफिनेटली सर, प्राइस अच्छा टूल है और आप लोगों ने ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी है हमारे टीम को, मैं टीम की तरफ से आप सभी लोगों का धन्यवाद करूँगा। यस सर, और ऐसा ही आप हर साल किया है, कैसे करते रहे ट्रेनिंग, ऐसी हम रिक्वेस्ट करेंगे। डेफिनेटली सर, जैसे आपने इंटरेस्ट लिया इस पूरा प्रोग्राम में आज का, तो इवन फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम आवर मैनेजमेंट साइड ऑल्सो, यू नो आई कैन अप्रिशिएट दैट, यू नो द काइंड ऑफ एफर्ट यू हैव टेकन फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, अरेंजिंग ऑल द कॉन्क्रीट, यू नो लेबर्स, इवन फॉर द लंच स्पॉन्सरशिप, यू नो आपने इतना अच्छा किया इस प्रोग्राम में, तो आई अप्रिशिएट फॉर दैट। तो जैसे मैंने बोला वो तो नेवर एंडिंग है सर, डेफिनेटली हम बैठ के बात करेंगे इसके बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर योर एंटायर सपोर्ट एंड द फीडबैक। थैंक यू सर। सो लेट्स टेक देयर फीडबैक फ्रॉम यू नो द ऑपरेटर्स। आई हैव नरेंद्र विथ मी एंड ऑल्सो रोशन विथ मी। नरेंद्र, आप LP32 आपने कब से चला रहे हैं? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। तो आप रोशन? 8 साल। 8 साल से चला रहे हैं। तो आज आपने LP32 भी चलाया, हाइड्रोलिक वर्शन एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिकल वर्शन भी आपने चलाया, तो आपका फीडबैक क्या है इसके कंपैरिजन में? उसका मैन पावर ज़्यादा उसमें अपना लग रहा है, इसमें कम लग रहा है। ये भी तो इसका अपना सर्विस अपने फास्ट मिल रहा है, समय अपने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बच रहा है, मैन पावर कम लग रहा है उसके कंपैरिजन में। इसे ये अच्छा मशीन है, मशीन वो भी अच्छा है, मैं DLP32 बहुत अच्छा मशीन है। ओके, चलता है। तो आप बोल रहे हैं कि आपका लाइट वेट है, सेटिंग में टाइम बच रहा है, आपको सेटिंग में भी टाइम बच रहा है। तो जब आपको ट्रांसपोर्टेशन का इश्यू आता है, ट्रांसपोर्टेशन जब आप एक फ्लोर से एक फ्लोर जाना पड़ेगा, उस टाइम पे आपको क्या लगता है? उसके लिए भी बहुत बेस्ट है उसमें भी, क्योंकि अपने को 22 फ्लोर में ऊपर लेके जाना DLP32 को बहुत भारी पड़ता है, जीने से अपने लेके जाना। रोशन जी, आपको क्या लगता है मशीन के बारे में? इस मशीन के बारे में सर, इतना टाइम में अपना बच रहा है, सब कुछ बच रहा है इसमें। तो ये बोल रहे हैं कि इनका जो वेट है, वेट के तकलीफ था LP32 में, वो आपको इलेक्ट्रिकल मशीन से सही लग रहा है। तो वो है आपका 400 kg, ये आपको 38-40 kg में आपको हो रहा है। तो इनको जो है ट्रांसपोर्टेशन में, उसमें भी अगर 20 माला चढ़ना है तो इजीली आप छोटा मशीन लेके आप चल सकते हो। तो आपको मुझे बताना है कि पावर वाइज कैसे लगता है आपको मशीन कटने में, स्पीड में? तो स्पीड में ये भी वही है और उसमें भी सेम लग रहा है आपको। ओके, तो आपने 800 का भी चलाया, 1200 का भी चलाया, तो आपको दोनों सेम लग रहा है स्पीड में। आपको और एक ऑप्शन इसमें, एक ब्यूटीफुल ऑप्शन था इसमें कट असिस्ट करके, जो ऑटोमेटिक में चलता है, तो आपको कैसे लगा उसमें? अच्छा लगा, वो तो सही सिस्टम में लगा मेरे को, यानी कोई अपने सेटिंग, जैसे DLP32 में सेटिंग करना पड़ता है ऑटो में, वो तो हो जाता, सही काम हो जाता। ओके, अगर इसमें उससे इजी हो रहा है, ओके, इजी काम हो रहा है। तो ओवरऑल प्रेशर का, तो इसमें लीवर जो दिया है अंदर वायर ऊपर नीचे, ओके, वो सही है, सही है। तो सिस्टम आपको इजी लग रहा है इसमें, नंबर ऑफ बटन्स कम है उसमें, नंबर ऑफ बटन्स ज़्यादा है, तो ऑपरेशन में आपको इजी लग रहा है यहाँ पे। तो ओवरऑल आपका टाइम बच रहा है, आपका ट्रांसपोर्टेशन का टाइम बच रहा है, स्पीड भी है, और क्या चाहिए आपको? मैन पावर थोड़ा कम है, मैन पावर कम लगेगा। तो उसमें आपको कितना लगता था? जो 6 लगते थे 5 लगते थे, हम उसमें 2 लेके जाएंगे 3 लेके जाएंगे। तो उसमें 6 लोग लगते थे, इसमें 2 लोग लग रहे हैं, तो आपका लेबर का कम यूज होता है। अरे उसके लिए बड़ी गाड़ी भी लेके जाना पड़ता है, हमें इसको छोटी गाड़ी में भी लेके जाते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी आपका बच रहा है। अच्छा, तो हम और एक ऑपरेटर को हमने ट्रेन किया आज, मुकेश जी को। मुकेश जी का भी राय लेते हैं कि उनका फीडबैक क्या है इन कंपैरिजन टू LP32 और हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिकल मशीन है।
हाइड्रोलिक मशीन में क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको बुरा लगा उसमें? सर हाइड्रोलिक मशीन से अच्छा तो मुझे इसमें लगा सर, यानी कि इसमें सिस्टम ऐसा दिया है कि इसमें यानी कि 400 वोल्टेज का ही दिया, फिर 32 एम्पर का दिया, सप्लाई दिया इसमें, फिर सेटिंग सिस्टम दिया इसमें, ऑटोमेटिक सिस्टम दिया सर इसमें। और इसमें कैसा है सर, इसका यानी कि लंबाई यूनिट चौड़ाई डेप्थ नाप के उसका सेटिंग मिलाया जाता है, और डेप्थ मिलाने के बाद में ब्लेड का जो 800 वाली ब्लेड है तो 800 वाली ब्लेड का मिलाया जाता है उसमें, सेटिंग मिलाया जाता है 1200 वाली तो 1200 वाली का, 1400 वाली का, 1600 वाली 1400 वाली का इसमें सेटिंग मिलाया जाता है सर। उसके बाद में ऑटोमेटिक करने के बाद में अपने बाद में स्टार्ट करना पड़ता है, सेटिंग मिलाने के बाद में पूरा मिलाने के बाद में एरिया नापना पड़ता है, उसके बाद में मिलाना पड़ता है, उसके बाद में अपने को स्टार्ट करना पड़ता है, स्टार्ट करने के बाद में ऑटोमेटिक कर देते हैं, पानी का भी चालू उसमें सब दिया सर, सिस्टम दिया, बहुत अच्छा लगा सर मुझे ये देखकर। पहले वाली में सर उसमें एक्चुअली कैसा है, उसमें 5-6 लड़के लगते हैं, अपने को गाड़ी लगती है, बड़ी गाड़ी लगती है सर उसमें, यानी कि जैसे अपने को बड़े काम रहे, यानी कि ऊपर अपने को हाइट में चढ़ना रहा, यानी कि 10 फ्लोर 20 फ्लोर जो भी हो उसमें जाना रहा, तो अपने को पावर पैक लगाना, हॉर्स पाइप लगाना, सब सिस्टम में पूरा ले जाना बोले तो बहुत इजी पोल है, और इसमें बोले तो अपने को 2-3 अपन ले जा सकते हैं सर ऊपर में। हाँ सर मैंने चला, इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा सर मुझे, ऑटोमेटिक सिस्टम दिया है इसमें, अपने को एक ही लीवर में दिया है, हेड का आगे पीछे करना, फिर अपना ट्रैक का आगे पीछे मूवमेंट होना उसमें दिया, अपना प्रेशर का दिया उसमें एक, इसमें